आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी ऐसे ढोकले की रेसिपी जिसे आप घर पे ही बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए रवा ढोकला बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। घर में पड़े 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये तैयार हो जाएगा और झटपट से बन के तैयार होगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका ढोकला सुपर स्पॉन्जी तो बनेगा ही, साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और बहुत हेल्दी भी होगा। तो चलिए रवा ढोकला की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा कप सूजी का लिया है, इसे मैं बाउल में डाल रही हूँ। एक बड़ा कप ही मैं दही का डाल रही हूँ। इसमें जितनी मात्रा में हमें सूजी डालनी है उतना ही दही डालना है। आधा चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधा चम्मच इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे ढोकले में खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आपको लगे तो आप इसमें चीनी भी जरूर डालिएगा। तो इस तरह का बैटर हम बनाएंगे, इडली के जैसा बैटर बना के हमें तैयार करना है। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी की मात्रा का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है एक साथ, अदरवाइज बैटर हमारा पतला हो जाएगा। बिल्कुल ही इडली के बैटर के जैसा बैटर हमें बना के तैयार करना है। देखिए इस तरह का बैटर हमें बनाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट कर डाला है। इसे ढोकले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधे घंटे के लिए मैं इस बैटर को रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इससे हमारी सूजी फूल के अच्छे से तैयार हो जाएगी। इन द मीन वाइल हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हमें 3 से 4 कप पानी का डालेंगे और उसमें एक स्टैंड लगा देंगे और पानी को मैं उबलने के लिए लिड लगा रही हूँ। तो चलिए ढोकले के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। एक मैंने इस तरह का बाउल लिया है, उसमें मैं अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर दूंगी। इस तरह से मैं पूरे बर्तन पे ऑयल को फैला रही हूँ ताकि हम जब ढोकला इसमें डालें तो ढोकले को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इस तरह से मैं पूरे बर्तन पे ऑयल को फैला रही हूँ। तो ऑयल को मैंने अच्छे से इस पे लगा लिया है। तो चलिए अब सूजी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल के रेडी हो गई है, पर सूजी जो है थोड़ी सी हमें थिक लग रही है, तो हम इसे में हल्का सा पानी डाल देंगे। पानी की मात्रा का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से बनके रेडी है। इस तरह का बैटर हमें चाहिए ढोकले के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो का डालेंगे। पूरा 1 चम्मच भर के मैं इसमें इनो का डाल रही हूँ और हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि इनो हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए सूजी हमारी अच्छे से फर्मेंट हो गई है। अच्छे से मैं इसे हिला रही हूँ और इसे एक ही तरफ चलाएंगे और बहुत ज़्यादा भी इसे हमें नहीं हिलाना है। तो ढोकला हमारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ऑयल लगे हुए बर्तन में डाल देंगे। पूरे बैटर को मैं ऑयल लगे हुए बाउल में डाल रही हूँ। तो चलिए अब इसे कढ़ाई में लगा देते हैं। तो कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है, मैंने उसके ऊपर एक स्टैंड भी लगा दिया था। उसके ऊपर मैं इस बर्तन को लगा रही हूँ और ऊपर से हम लिड लगा देंगे। अब 20 से 25 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। मैं नाइफ से इस ढोकले को चेक कर रही हूँ। मैं इसमें नाइफ डाल रही हूँ। देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल ही क्लीन बाहर आया है, इसका मतलब हमारा ढोकला बनके रेडी है। तो चलिए इसे केयरफुली हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो मैंने ढोकले को कढ़ाई से निकाल लिया है। अब 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे हाथों से टैप करेंगे और टैप करने से ही हमारा ढोकला अच्छे से बाहर आ जाएगा। इसे साइडों से नाइफ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से इसमें ऑयल ग्रीस किया था। तो इसके ऊपर मैं एक प्लेट लगाऊंगी और प्लेट लगा के मैं इस बाउल को इसके ऊपर उल्टा कर दूंगी और ऊपर से भी मैं इस पे अच्छे से टैप करूंगी और इस बर्तन को हटा लूंगी। तो देखिए कितना ही बढ़िया सुपर स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनके रेडी हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना ही जालीदार, एकदम जालीदार ढोकला हमारा बनके रेडी हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है।
10 से 15 मिनट के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन द मेन वाइल हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने तेल डाला है और इसमें सरसों के दाने डाल रही हूँ और हींग डाला है मैंने, और ये मैंने कड़ी के पत्ते डाले हैं, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बीच में से काट लिया है। इसे अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद हम इस बैटर को ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ढोकले पे अच्छे से हम इसका तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तड़के में पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी से हमारी सूजी बिल्कुल ही गीली हो जाएगी। अगर हम बेसन का ढोकला बनाते हैं तो उसमें हम पानी और चीनी भी ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे तड़के को ढोकले पे फैला दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए, काटने से ही पता चल रहा है हमारा ढोकला कितना ही सुपर स्पॉन्जी बना है, कितना ही सॉफ्ट बना है। कितनी ही इजी तरीके से मैं इसे काट रही हूँ। बिल्कुल ही सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी हुआ है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना ही सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम जालीदार ढोकला बना है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो इसी तरह से सुपर स्पॉन्जी ढोकला ही बनेगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए, हमारा सुपर स्पॉन्जी ढोकला बनके तैयार है। पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।